हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। चलिए जी, आइए देखते हैं। सर, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, नहीं तो आज क्या करेंगे? आज अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करेंगे। सर, अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपकी क्लास जो है एनटीयूसी नेट की, वो यूट्यूब पे नेट वाले भैया पे रोज हो रही है। कितने बजे? 8 बजे पेपर 1 की और 9 बजे पेपर 2 की। आप अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो आप जरूर जाके इंटरनेशनल बिजनेस की 38 लेक्चर हमने कवर कर लिया है, उसको जाके देखें। और अकाउंटिंग सभी चल रहा है, इसको देखें। और जून तक में मैं कोशिश करूंगा सारा सिलेबस कवर करने की धीरे 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 करके। तो आप हमारे साथ बने रहें, यहां आपको फ्री में सारा एजुकेशन आपको दिया जाएगा, सारी एनटीयूसी नेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। पेपर 1 के भी हमने कम्युनिकेशन के ऑलरेडी लगभग 20 वीडियोस किए हैं, जिसमें सारा कम्युनिकेशन खत्म किया है, और टीचिंग के 20 वीडियोस किए हैं और भी टीचिंग चल रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। आइएगा जी, चलते हैं पहले नोट्स में, क्योंकि हम सबको पता है कि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा जी, सबसे पहले क्या बोला अकाउंटिंग कन्वेंशन, देखिए कहता है जी, कहता है क्या, कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने बात किया था रूल्स एंड कॉन्सेप्ट का, जिसे सब अकाउंटेंट को फॉलो करना था। बात सही है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करी थी, और उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो अकाउंटेंट्स सारे अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं हाँ जी सर, लेकिन कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है या धारणाएं हैं, होती हैं, जिसको लोग लेकर चले तो भी ठीक होता है, नहीं चले तो भी ठीक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई ट्रेडिशन है, ठीक है, अब किसी का ट्रेडिशन में जैसे धोती कुर्ता पहनना लिखा हुआ है, अब वो पहन के चले तो भी ठीक, ना पहन चले तो भी ठीक, नहीं तो ये क्या ट्रेडिशन कस्टम है अपना। उसी प्रकार बोला ठीक, उसी प्रकार अकाउंटिंग में भी क्या होता है, कुछ कस्टम या ट्रेडिशन है जिसको फॉलो करना लीगली जरूरी नहीं है, लीगली जरूरी नहीं है, बट अगर फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, सही मिलता है, इसीलिए सारे अकाउंटेंट्स इसको भी फॉलो करते हैं। तो इसको कौन सा कन्वेंशन है, आइए एक एक करके डिस्कशन में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है जो कन्वेंशन, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। नहीं, कंसिस्टेंसी क्या कहती है, कहता है इस मेथड के अनुसार अगर आप अकाउंटिंग मेथड्स में कंसिस्टेंटी बना के रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको क्या करना है आगे वाले आने वाले 2-3 साल 5 साल में, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट में कंपैरिजन करने में इजी होगा, और आप कंपेयर कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अभी क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल्स को कुछ ईयर तक कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या बैलेंस शीट का कंपैरिजन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मान लेते हैं कि हम तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये बात पता है हमको, हाँ सर चार्ज करते हैं, क्योंकि आज हम ये किस बेसिस पर चार्ज करते हैं कि सर हम गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये मान के चला था कि बिजनेस मेरा क्या लंबे समय तक चलता रहेगा, और उस बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते थे। तो आप सपोज करो कि एक मेथड है, दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहला साल हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, दूसरा साल डिमिनिशिंग, देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। मान लेते हैं पहला साल हमने क्या बोला, हमने बोला 50,000 एसेट्स का वैल्यू था, ठीक है, और डिमिनिशिंग के लिए 10% रेट है, और टाइम कितना साल, 10 साल के लिए, किसके लिए, एसएलएम के लिए। तो अब पहला साल एसएलएम मेथड लगाते हैं, 50,000 है और 10 साल के लिए, तो एक साल का कितना हो गया सर, 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया फर्स्ट साल दे दिए, अब बचा 45,000 का सेट्स। अब हम यहां मान लेते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस लगा देते हैं, तो डिमिनिशिंग बैलेंस लगाएंगे तो 45,000 का 10% कितना सर, 4,500। तो मेरा बैलेंस कितना बचा अगले 2 साल बाद, 40,500। अब आप सोचो कि यहां 40,000 अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन लगाते तो यहां 5,000 माइनस होता इस जगह पे, और यहां बैलेंस कितना बचता, 40,000 रुपया। तो आप सोचो ये जो 500 का डिफरेंस है, सिर्फ एक साल में आप सेम मेथड नहीं लगा रहे हो, इस वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। आप सोचो कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग है, जिससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप मेथड्स को हर साल चेंज करोगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कंसिस्टेंट रहना कम से कम 2-4 साल तक बहुत जरूरी है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने में दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी। अब चले नेक्स्ट, देखिए जी दूसरा है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसी को डिस्क्लोज
करना चाहिए, अदर वाला फालतू इंफॉर्मेशन होता है। तो जो इंफॉर्मेशन किससे आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसी को क्या करिए, डिस्क्लोज करिए, वरना सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन या प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको, नहीं प्रूडेंस या कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म बोलता है आने वाले जो सभी एंटीसिपेटेड लॉस है, ठीक है, उसको बुक में रिकॉर्ड करो, और जो एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स हैं जो हमको आना है उसको फ्यूचर में, उसको क्या करना है, उसको इग्नोर करना चाहिए। तो सर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या गेन्स हो सकता है, बैड डेब्ट्स अगर रिकवर हो रहा है, और जब बैड डेब्ट्स होने वाला है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं। हाँ जी सर, तो कंजर्वेटिज्म क्या बोला, बोला एंटीसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करिए, लेकिन एंटीसिपेटेड अगर कोई प्रॉफिट है या अनरियलाइज्ड गेन्स है तो उसको इग्नोर करिए, ठीक है। हाँ जी, अब चले नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। क्या बोल रहा है, बोला आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को दिखाओ जो मटेरियल नेचर की है, जिस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो उसका अकाउंटिंग करना बेकार है। तो सर फुल डिस्क्लोजर में बोला भाई सबका करो, जो भी चीजें वो दिखाओ, मटेरियलिटी बोल रहा है जो मटेरियल चीजें हैं उसी का दिखाओ, तो ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये चार कंसिस्ट क्या थे, चार धारणाएं थी, कन्वेंशन था। अब आइए बुक पे चलते हैं, नहीं देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग कन्वेंशन इंक्लूड द कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट असिस्ट द अकाउंटेंट्स इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या इंक्लूड करते हैं जी, कस्टम और ट्रेडिशन जो असिस्ट करता है अकाउंटेंट को क्या, स्टेटमेंट बनाने के लिए, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। कह रहा है ऑल्दो दीज कन्वेंशन डू नॉट हैव एनी लीगल ऑब्लिगेशंस, येट अकाउंटेंट्स नीड टू यूज दीज कन्वेंशन टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके लिए एक बोल रहा भाई साहब, इसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अकाउंटेंट यूज करते हैं। कह रहा है दीज कन्वेंशन आर जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस अराउंड द ग्लोब, द अकाउंटिंग कन्वेंशन हैव चेंज्ड विद द टाइम बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस, द मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग कन्वेंशन आर मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक जैसा मेथड यूज करना चाहिए कुछ टाइम तक, नहीं। आइए देखिए, कह रहा दिस कन्वेंशन अफर्म्स दैट द बिजनेस यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट इन इट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इनेबलिंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू कंपेयर, इसलिए टू कंपेयर है ना अकाउंटिंग स्टेटमेंट ओवर द टाइम और बिटवीन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। कह रहा है दिस कंसिस्टेंसी शुड बी नेचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दिस मीन दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन अनचेंज्ड अनलेस द चेंज इज नेसेसरली वारंटेड। बोल रहा भाई साहब जब तक जरूरी ना हो किसी मेथड को चेंज करने का, तब तक चेंज करने का जरूरत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे, अलग अलग प्रॉफिट्स एंड लॉस पे, या फिर कंपेयर करने में इसमें दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इफ देयर इज अ चेंज इन द डेप्रिसिएशन पॉलिसी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दिस चेंज शुड बी डिस्क्लोज क्लियरली अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख रहे हैं यही वाला बात क्या, जो अभी मैं हमने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये देखिएगा एक मिनट, ये देखिए ये वाला जो चेंज है, हमने क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये मेथड दिखाया था आपको, तो हाँ ये 500 रुपए का जो इफेक्ट आया था, हाँ तो इसी की बात ये कर रहा है, नहीं। हाँ जी सर, अब आगे चलें, नेक्स्ट चलें। हाँ सर, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब फुल डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। तो कह रहा था कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एडवोकेट्स द फुल डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन वेदर फेवरेबल और अदरवाइज इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। क्या बोल रहा भाई साहब, जो भी फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि सारी चीजें आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज कर देनी है, जिसको हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। कह रहा है दिस कन्वेंशन मैंडेट्स दैट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन दैट इज डीम्ड टू बी मटीरियल वैल्यू टू द प्रोप्राइटर्स क्रेडिटर्स एंड डेटर्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। वो सारा चीज बोल रहा है जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जरूरी हो, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन के लिए हो, और जिसको मटेरियल वैल्यू में ये कर सकते हैं उसको क्या प्रोप्राइटर क्रेडिटर या डेटर जो भी हो उसके सामने डिस्क्लोज करके कर देना चाहिए, नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, अकाउंटिंग को जिसको मेजर कर सकते हैं, नहीं। हाँ, और एंड दैट ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली, और इसको ऑनेस्टली बनाया जाना चाहिए। द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर होल्ड्स
greater importance in the case of business where the ownership is separate from the management. किसे management से? Here the material events that significantly affect the business include bad debts, destruction of plant and machinery. अब चलिएगा जी next. Next क्या है? कह रहा है कंजर्व कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. क्या बोल रहा है? पूरा अकॉर्डिंग टू द दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के अनुसार एंटीसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड. ध्यान देख रहे हो कि ये क्या करना है कि जो एंटीसिपेटेड लॉस है उसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है या अनरियलाइज्ड गेन्स उसको इग्नोर कर देना है. कह रहा है इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. सेफ खेलने वाला क्या है पॉलिसी है. प्रोविजन इज मेड फॉर द ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस इवन थ्रू द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी. कह रहा लाइकवाइज व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन वन हैविंग अ लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स और कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड. जिस पे जिसका इफेक्ट इमीडिएट होगा प्रॉफिट पे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. कह रहा फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. देखिएगा कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस, उस पे करना चाहिए. कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स. अब देखिए जो एक्चुअल बैड डेट्स होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बना के रखा ना. ये तो मैंने कहा था कि जो बैड डेट्स होगा उसके लिए प्रोविजन बना दो लेकिन बैड डेट्स रिकवर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है उसको. जॉइंट टाइप इंश्योरेंस पॉलिसी शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड शॉर्ट. तो ये क्या है? ये आपके जी कंजर्वेटिज्म है जो कहती है कि एंटीसिपेटेड लॉस को आपको एक्सेप्ट कर लो और रिकॉर्ड कर लो और एंटीसिपेटेड गेन्स या जो अनरियलाइज्ड गेन्स है उसको इग्नोर कर दो. अब जी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोल रहा है? सर कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है? बोलता है जो मटेरियल चीजें हैं उसी को हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है. कह रहा था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एडवोकेट्स The recording of all material facts while eliminating the insignificant information. जिसको जो insignificant information है उसको हम क्या करेंगे हटा देंगे. नहीं हाँ जी सर कह रहा material facts are those pieces of information that can potentially influence the decision of informed investor. कह रहा although theoretically all information should be treated like the convention of materiality place great emphasis on the economic significance of an item as in determinant of its importance in accounting. It should be noted that any item deemed material by a business can be treated as a unimportant by another business. In a same way, when item is considered material during a particular period, may be treated as a unimportant in subsequent period. In subsequent periods of time, बोला जिस time में आप क्या कर सकते हैं? ये material जो आप ले सक, जो material को हम record कर सकते हैं, उसी को consider करो, बाकी को हटा दो. इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? तो चार क्या हो गए? चार ही हो गए जी आपके कन्वेंशन. नहीं अब आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लें हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको. नहीं एक बार देखते हैं टोटल टोटल फटाफट जल्दी जल्दी से देखते हैं जी. आइएगा क्या बोल रहा है पूरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या बोल रहा है सर? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट था जहां बोलते क्या बोला गया था? बोला गया था कि सर ऑनर को और बिजनेस को दोनों को सेपरेट अलग अलग रखना है. सर कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी कहती है कि जो मेथड्स हम अपना रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए कुछ ईयर तक ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकें नहीं और कंपैरिजन कर सकें. कॉस्ट बोल रहा है भाई साहब जिस हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ये है ये क्या कहता है कि भाई साहब कॉस्ट हमको जिस रेट पे एसेट हम खरीदे उसी रेट में हमको क्या करना चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए. डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि भाई साहब हर अकाउंटिंग के दो पहलू होते हैं एक क्या एक डेबिट और एक क्रेडिट. फिर उसी तरीके से गोइंग कंसर्न क्या बोलता है बिजनेस हमारा लंबे ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा और इसी वजह से हम क्या करते हैं हम सर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल. नहीं हाँ जी सर उसके बाद मैचिंग बोलता है एक टाइम में होने वाले एक्सपेंस को उसी टाइम पीरियड में होने वाले रेवेन्यू के साथ मैच करिए जिससे प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट ना पड़े. उसके बाद क्या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि भाई साहब जिस अकाउंट्स को हम मनी के फॉर्म में जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी के फॉर्म में मेजर करें उसी को हम रिकॉर्ड करें नहीं तो फिर छोड़ दें. पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या या इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं. बोलता है भाई साहब
एक डिफिनिट पीरियड होना चाहिए किसके किसके लिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था, कंजर्वेटिज्म, वही नहीं जिसमें हम लोग बोले थे कि एंटिसिपेटेड लॉस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और अनरियलाइज गेन या एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, बोल रहा है जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई तो उसको क्या कर लो, रियलाइज कर लो, ठीक है। हाँ जी लीजिए जी, ये हो गए आपके अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स का थीम, चैप्टर वन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जी पार्टनरशिप और फिर इसी तरह से अकाउंटिंग को बढ़ाएंगे आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।